नहीं, लग तो ठीक रहा है, लेकिन अब जैसे मान लीजिए आप हैं यहाँ तो थोड़ा बहुत बता रहे हैं। वैसे यहाँ के प्रशासन को, जो भी प्रशासन यहाँ का हो, उन्हें ये चाहिए कि यहाँ दो चार गार्ड होने चाहिए, जिससे कोई बाहर की पब्लिक अगर आए या बाहर का कोई टूरिस्ट घूमने के लिए आता है तो उसे ये पता लग जाए कि यहाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ है। अब ये तो हम देख तो सकते हैं कि क्या है, हाँ महल बने हुए हैं पुराने, लेकिन ये जानकारी नहीं कि यहाँ क्या चीज़ थी, या राजा ने क्या यहाँ क्या उनका होता था क्या नहीं होता था। कोई गार्ड होते घुमाने के लिए, मतलब बाकायदा बताने के लिए, जैसे कि ये है, इस पे कहीं लिखा है, कुछ लिखा है, नहीं लिखा। इसलिए आप जैसे बताएंगे, चाहे आप हमको झूठ बताओ तो झूठ बताएं, सच बताओ तो सच बताएं। यहाँ पर कोई लिखा नहीं है, ना ही कुछ है, बट बूढ़े पुराने जो हमको बताते हैं वही हम समझेंगे। ये है अखाड़ा, दक्षिणी माता का मंदिर। जी बहन ही बहन है ना, पसर देवी माता और दक्षिणी माता, पसर देवी माता। देवी माता दोनों बहने। अच्छा, ये दक्षिणी माता वो पत्थर का गेट है, दरवाजे वही खड़े हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल अब भी हम जा रहे हैं, कहाँ पे आप? किले किले पर। और कभी टाइम हो रहा है 12-1 बजे का, काफ़ी मतलब दोपहर का टाइम है, और अभी शाम, मतलब शाम जैसा मौसम है, यानी मौसम सही है, ठंडा ठंडा मौसम है। तो अभी हम आए थे जो बरेली से, अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, तो उनके साथ जा रहे हैं। तो फिलहाल स्टार्ट हो चुके हैं ऊपर के लिए जाने के लिए। यूट्यूब फैमिली गाड़ी नीचे खड़ी हो गई है, आराम आराम से ऊपर चढ़ेंगे। और ये आंसू भाई अपने जल्दी जल्दी में ऊपर जी, थोड़ा थक गई हैं, आराम आराम से चलेंगे, जल्दी पहुंच जाते हैं अभी। अभी गाइस हम पहुंच चुके हैं किले पर, आप देख सकते हैं जो भैया लोग आए हैं यूपी से। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं मनसा देवी माता के मंदिर, तो अभी सभी लोग दर्शन कर रहे हैं अंदर, तो अभी हम भी चलते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। लग रहा है आपने नहाया नहीं है इसलिए आप अंदर नहीं जा रहे। तो ये हमारे महाराज जी हैं, मंदिर के पुजारी जी। पे सभी लोग पानी पी रहे हैं, जो कि पानी लेके नहीं आए थे इसलिए। और आंटी जी यहाँ पे ना भोलेनाथ को स्नान करा रही हैं। तो अभी सही से नहलाया नहीं है इसलिए और पानी लेके और नहलाएंगे। तो देख सकते हो सभी ने जल चढ़ा दिया एक एक से। तुलसी का पेड़ लगा हुआ है इतने सालों से दोस्तों, इतने सालों से मैं ऊपर आ रहा हूँ, छोटे से अभी तक इतने बड़े हो गए, पर आज तक मैं इसमें अंदर नहीं आया बिल्कुल फिक्स तक। आज अंदर आया हूँ, मतलब मैंने अभी तक ये नहीं देखा था इसमें अंदर भोले बाबा का भी मंदिर है, तो आज अंदर आया हूँ। कितने मतलब आज 22-23 साल का हो चुका मैं, तो 23 साल में करीब 15 साल से तो आ ही रहा हूँ, 15 साल में अब जाके अंदर आया हूँ। ये रहा, और वीडियो पूरा देखना है, पूरा घुमाएंगे किला, जो पिछली वीडियो में भी रह गया था तो वहां से कवर हो जाएगा ये आगे का हिस्सा।
दोस्तों फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं पसर देवी माता के मंदिर, तो अभी दर्शन करवाते हैं। फिलहाल यहाँ पे गेट बंद है, जो कि सुबह के टाइम पुजारी जी आते हैं अपनी पूजा करके 10-11 बजे तक चले जाते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है करीब 2 बज रहे हैं दोपहर के, इसलिए कोई नहीं यहाँ पे। नहीं सामने, तो यहाँ पे सभी लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अभी हम रिटर्न हो रहे हैं। अब जा रहे हैं सीधे 8 कुआं 9 बावरी और वहाँ की क्या खासियत है वो वहाँ जाके पता चलेगा, तो अभी चलते हैं। महाराज जी को तकलीफ दी जा रही है थोड़ी सी। सब कैसा लग रहा है किले पर? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया का मतलब कैसा? अति सुंदर, अति सुंदर। वहाँ जो कुल देवी है हाँ, उनका मंदिर बहुत ही भव्य और बड़ा सुंदर बना हुआ है। अभी घूम रहा है, टाइम मिलेगा तो उधर ले चलेंगे फिर, अगर मिले यहाँ से लौटने के बाद अगर बचा टाइम तो। अभी तो वो भी तो दिखाना है, राजा नल दमयंती की मूर्ति सुधारो। वो दोनों बच्चे ही पूछे हुए, लेकिन जब बच्चा ना आए तो बालकन लोग सबको नहीं, वो तो अपन नीचे चल के हो जाएगा सब। अभी थक चुके हैं, अभी बैठे हुए हैं। सब चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। तो अभी घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं इसको ले लो, आला उदल का अखाड़ा। तो कैसा लग रहा है? नहीं लग तो ठीक रहा है, लेकिन अब जैसे मान लीजिए आप हैं यहाँ तो थोड़ा बहुत बता रहे हैं। वैसे यहाँ के प्रशासन को, जो भी प्रशासन यहाँ का हो, उन्हें ये चाहिए कि यहाँ 2-4 गार्ड होना चाहिए, जिससे कोई बाहर की पब्लिक अगर आए या बाहर का कोई टूरिस्ट घूमने के लिए आता है तो उसे ये पता लग जाए कि यहाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ है। अब ये तो हम देख तो सकते हैं कि क्या है, महल बने हुए हैं पुराने, लेकिन ये जानकारी नहीं कि यहाँ क्या चीज़ थी या राजा ने क्या यहाँ क्या उनका होता था क्या नहीं होता था। तो जैसे ही दोस्तों इनका कहना है, अगर यहाँ पे कोई गार्ड होते घुमाने के लिए, मतलब बाकायदा बताने के लिए, जैसे कि ये है, इस पर कहीं लिखा है कुछ, लिखा है नहीं लिखा, इसलिए आप जैसे बताएंगे, चाहे आप हमको झूठ बताओ तो झूठ बताएं, सच बताए तो सच बताएं। यहाँ पर कोई लिखा नहीं है ना ही कुछ है, बट बूढ़े पुराने जो हमको बताते हैं वही हम समझेंगे। ये अखाड़ा आला उदल का अखाड़ा, आला उदल का ये रहा अखाड़ा। यहाँ पर हुआ करती थी उनकी कुश्ती। और यहाँ पर बैठा करता था मैं, जो कि राजा हुआ करता था पहले जब। तो अभी फिलहाल हम पहुँच चुके हैं 8 कुआं 9 बावड़ी के रास्ते में। इधर आंटे जी और सभी आ रहे हैं। और अभी बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि बहुत कुछ देखना बाकी है। 8 कुआं 9 बावड़ी नरवर की प्रसिद्ध 1600 पनिहारी, जहाँ से एक बार में पानी भर के ले जाती थी, 8 कुआं 9 बावड़ी। और यहाँ पे बंदर दिख रहे हैं हमको, ऐसा लग रहा है ऊपर पेड़ हल रहा है। और यहाँ पे बता दे काफी बड़ा किंग कोबरा रहता है, जो कि अभी हमको दिख नहीं रहा, दिख जाए तो हम उसके दर्शन करते, पर नहीं दिख रहा, कोई टेंशन नहीं, अच्छा ही हमारे लिए, क्योंकि सभी लोग डर जाएंगे। हम अकेले खुश हो जाएंगे तो क्या, पर सभी लोग डर जाएंगे, इसलिए दिखे ही ना तो बेटर है। चलते आगे की ओर और दिखाते। ये रहा अपना 8 कुआं 9 बावड़ी और यहाँ पे साउंड चल रहा है, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सभी लोग जा रहे हैं मकरध्वज हनुमान जी के दर्शन करने। मकरध्वज हनुमान जी के दर्शन करने के बाद फिर हम निकलेंगे पीछे की ओर। मकरध्वज हनुमान जी दोस्तों, हनुमान जी के पुत्र, ये रहे पुत्र उनके। हम पहुंच चुके हैं मंदिर श्री लक्ष्मण उर्मिला जी का, यहाँ पे चलते हैं अंदर।
ये रही मीना बाजार, मीना बाजार रहा ये, जो कि दोस्तों आज उल्टा किला घूमा है पूरा। तो आज पूरा किला घूम लिया और अभी थोड़ा सा और है, जो मेन फ्रंट है, जो मेन फेमस है, जो मेन किला है, वो जगह रह चुकी है। अरे बना लो ना मीना बाजार को। अभी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं, जो आपने कभी नहीं देखा, आप सैकड़ों बार किला घूम चुके हो पर फिर भी नहीं देखा होगा, क्योंकि इस जगह पर बहुत कम लोग जानते हैं, राधा कृष्ण जी का मंदिर। तो चलिए हम आपको अंदर से और दिखाते हैं, यहाँ का दृश्य देखिए पहले। चारों तरफ फूल वगैरह लगे हुए, काफी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है यहाँ को मंदिर को, और यहाँ पे आपको दर्शन करवाते हैं हम। यहाँ पे देवी की है, उसको स्वीकार करो। ज्यादा फूल मत तोड़ो, एक दो फूल बहुत है। ये कोई भी चीज पीसने के लिए था, अब पता नहीं क्या पिसता होगा इससे। फिलहाल अभी चूना पीसने के लिए काम में ली जाती है। गाइस फिलहाल हमने किला घूम लिया, जितना घूम सकते थे उतना, और अभी नीचे की ओर उतर रहे हैं। तो नीचे उतरते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो फिलहाल बहुत कुछ है, तो अभी ले चलते हैं सबको घर पर, खाना वगैरह खिलाएंगे, उसके बाद फिर रवाना करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, अभी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है।